Students of the higher secondary school have launched a massive protest inside the premises of the deputy commissioner of Doda after the teacher stopped students from singing the national anthem in their morning prayers. Now they demanded FIR should be lodged against those teachers involved in this. हम पिछले साल से जब यहाँ पे 15 का चल रहा वो पिछले साल हुआ था तो तब नेशनल एंथम हुआ उसके बाद बंद किया गया तो फिर उसके बाद हम तो गाने नहीं लगे लेकिन आज हमने शुरू किया था 15 अगस्त से इस साल फिर से तो जो वो सर थे क्या बोलते हैं उस दिन तो किसी ने कुछ नहीं बोला पीटी सर ने कहा कि आप मतलब बोल सकते हैं नेशनल एंथम तो फिर जो हमारी जातीय मैम थी तो और वो इटू सर थे और दूसरे उनके साथ ये अख्तर सर थे तो वो सुबह 7 बजे हमारे स्कूल में आ गए और उन्होंने हमें मतलब रोकने की कोशिश की जब हमने स्टार्ट किया नेशनल एंथम तो उन्होंने हमें बोला कि आप नीचे बैठ जाओ तो हमने वहीं पे छोड़ दिया हम बैठ गए तो फिर उसके बाद उन्होंने मतलब कुछ दूसरी बातें करने लगे हमें कुछ अजीब सा लगा कि इन्होंने हमारा नेशनल एंथम क्यों बंद किया हम नहीं चाहते हैं कि ये बंद हो तो सर हमारी यही है कि नेशनल एंथम होना चाहिए और वो जो 3 टीचर हैं तो उनको अंदर किया गया मतलब किया जाए और उनको पूछा जाए कि ऐसा क्यों किया क्योंकि हर स्कूल में नेशनल एंथम होता है हमारे स्कूल में क्यों नहीं होता है 2 साल से बंद किया गया है। सर जब हम सुबह स्कूल आए तो सर पिछले दिन आते थे 10 बजे आज 7:30 बजे हम ग्राउंड से बाहर ही थे बच्चे स्कूल मास्टर आ गए थे पहले ही सर ने मारा बच्चों को भी और हमें सबको डांटा कहने लगे इधर कुछ रोल नहीं है बच्चे जैसे शादी में चलते हैं पता नहीं क्या क्या बोलने लगे और सर फिर बच्चों को मारा भी और कहने लगे ये इधर नहीं चले गए राष्ट्रगान कहने लगे राष्ट्रगान इधर नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ पे बाघवा हाई स्कूल में जो है वहाँ पे बच्चे जो राष्ट्रीय गाना जो वो बोल रहे थे तो उसी माबीन जो है टीचरों और बच्चों ने कहीं टीचरों ने मना कर दिया है कि आप यहाँ पे ये गाना जो है नहीं बोलेंगे तो इसी सिलसिले में ये जो यहाँ पे एजिटेशन हुआ। क्या वहाँ पर पहले राष्ट्रगान होता था? बिल्कुल होता था पहले लेकिन 1-2 साल से वहाँ नहीं चल रहा था किसी कारण तो अभी 15 अगस्त से जो है फिर शुरू किया था बच्चों ने वहाँ पे ये गाना जो है वो गा रहे थे। एक डिमांड है नेशनल एंथम को लेके कि हमें गाने दिया जाए ठीक है मैं भी ये चाहूँगा कि आप गाइए कल से आप ये गाएंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी जो डायरेक्शन है ये कहता है कि जिसको गाना है वो गाए जिसको नहीं गाना वो चुप रह सकता है ठीक है। सर कुछ लड़के तो वहाँ पे डंडे लेके होते हैं सुनिए मेरी बात आपको कोई मना नहीं करेगा कल मेरा तहसीलदार खुद आपके साथ असेंबली में होगा और कल से हम इंश्योर कराएंगे कि आपको कोई दोबारा डिस्टर्ब इस तरह की कोई डिसरप्शन ना हो। ये हाई सेकेंडरी स्कूल बागवा के बच्चे हैं जिनका कहना है कि उनको नेशनल एंथम जो गान होता है सुबह उसमें किसी ने उसमें बाधा डाली तो इस चीज़ के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें हमने एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसमें हमारे ACR साहब जो डोडा के हैं वो रहेंगे उसके साथ तहसीलदार कंसर्न और हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं जो वो इसमें इंक्वायर करेंगे और फैक्ट्स क्या हैं वो हमारे सामने 7 दिनों में लाएंगे और उसमें जो ज़रूरी कार्रवाई बनती होगी हम जरूर उसमें एक्शन लेंगे।